बिहार के जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि बेगूसराय का सिमरिया गेटवे ऑफ मिथिला है। अगले वर्ष से ये देश के पर्यटन स्थलों में शुमार होकर विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा। आध्यात्म, भक्ति और मोक्ष के इस स्थल पर बिहार का पहला रिवर फ्रंट बन रहा है, जो अद्भुत होगा। बुधवार को सिमरिया में राजकीय कल्पवास मेला एवं जल संसाधन विभाग द्वारा डेवलप किए गए कल्पवास मेला क्षेत्र का उद्घाटन करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहां प्राचीन काल से एशिया प्रसिद्ध कार्तिक कल्पवास मेला लगता है। पिछले वर्ष कल्पवास क्षेत्र में पानी आ गया था, लोगों को काफी परेशानी हुई थी, लेकिन उसे पूरी तरह से डेवलप कर दिया गया है। रिवर फ्रंट का कार्य गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। 14 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिमरिया आकर उसके पहले फेज का उद्घाटन करेंगे। जून 2024 में काम पूरा हो जाएगा तो ये पर्यटन हब बन जाएगा। हरिद्वार के हर की पौड़ी पूरी देश दुनिया में चर्चित है, लेकिन वहां मुख्य धारा नहीं कैनाल को डेवलप किया गया है, जबकि सिमरिया में मुख्य धारा में काम हो रहा है। इस वर्ष यहाँ अर्थ कुंभ लग रहा है, जिसके व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन बेहतर तरीके से कार्य कर रही है। सिमरिया में नेपाल से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अभी काम शुरू होने के बाद देशभर से मैसेज आने लगा कि अब मैं भी सिमरिया आऊंगा। राजनीति में किसने कितना समय बिताया यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि उसने काम क्या किया, और यही लोगों के जहन में रहता है। यहाँ काम करने से बड़ी प्रसन्नता हो रही है, इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं है। मेरा मंत्री बना सार्थक हो गया है, क्योंकि सिमरिया करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है। मिथिला ज्ञान और धर्म का केंद्र है, यहाँ सभी काम गुणवत्ता के साथ होगा। अभी भी बाढ़ के समय में काम सही तरीके से किया गया। जल संसाधन विभाग यहाँ शौचालय, वाच टावर, प्रकाश की व्यवस्था, पाथवे, अनुष्ठान मंडप के साथ दो मंजिला धर्मशाला बनवा रही है, जिसका फाउंडेशन काफी मजबूत है। इसका उद्घाटन करने जब मुख्यमंत्री आएंगे तो तीसरी मंजिल का भी शिलान्यास करेंगे। आरसीडी से रोड बनवाने का भी प्रपोजल चला गया है। गंगा किनारे रहने पर सभी तनाव खत्म हो जाता है। 6 महीने के बाद राजेंद्र पुल से ट्रेन से गुजरने वाले लोग भी इस जगह को देखकर पहचान नहीं सकेंगे। स्पेशल आर्टिस्ट ने ऐसा डिजाइन किया है कि उसे देखने देश भर के लोग आएंगे, तभी तो पर्यटन का प्रख्यात केंद्र बनेगा और भी जितनी जरूरत होगी उसके लिए फंड दिया जाएगा। अभी यहाँ दोनों पुल के बीच 550 मीटर में काम होना है। पहले फेज में 100 मीटर का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। स्टील शीट पाइलिंग किया गया है ताकि गंगा में कितना भी पानी आएगा तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुरक्षा का भी पुलिस अधीक्षक विशेष ख्याल रख रहे हैं। कल्पवास क्षेत्र को 12 लाख स्क्वायर फीट में डेवलप कर दिया गया है। बाहर भी रोड बन रहा है, इसमें और भी काम होंगे। सिमरिया में न सिर्फ कल्पवास लगता है, बल्कि दूर दूर से लोग अस्थि विसर्जन करने भी आते हैं। पिछले वर्ष मेला क्षेत्र में पानी जाने की जानकारी मिली तो उन्होंने यहाँ आकर देखा और मुख्यमंत्री को बताया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर काम त्वरित गति से शुरू हुआ। काम ऐसा हुआ है कि 150 वर्ष तक इस ओर देखने की जरूरत नहीं है। गंगोत्री से लेकर बंगाल की खाड़ी तक बनारस के बाद सिमरिया में ही मुख्य धारा में इतने बेहतर तरीके से काम हो रहे हैं। सिमरिया कल्पवास का 2008 में नीतीश कुमार ने राजकीयकरण किया था और वही यहाँ सभी व्यवस्था पूरी करेंगे। सभा को विधान पार्षद सर्वेश कुमार, विधायक कुंदन कुमार, राजकुमार सिंह, सूर्यकांत पासवान ने भी संबोधित किया। स्वागत डीएम रोशन कुशवाहा, धन्यवाद ज्ञापन विधायक राम रतन सिंह एवं संचालन डॉक्टर कुंदन कुमार ने किया। बेगूसराय जिले से संजय मेहता की रिपोर्ट। आज के इस कार्यक्रम में जो कल्पवास मेला का शुरुआत है, हम लोग के पार्टी के जिला के अध्यक्ष बेगूसराय के और पूर्व विधान पार्षद श्री विटल राय जी, श्री राजकुमार सिंह जी जो विधायक हैं मटिहानी के, सर्वेश जी जो हम लोग के साथ एमएलसी है, विधान पार्षद है और हमारे भी एमएलसी है, मुख्य एरिया सिमरिया से लेके और मधुबनी जिला तक है सर्वेश जी, हम लोग के साथ ही कुंदन जी जो विधायक हैं सदर के बेगूसराय के, सुल्तान पासवान जी जो विधायक हैं बखरी के, जो बेगूसराय के डीआईजी हैं, हमारे दरभंगा में भी एसएसपी थे श्री बाबूराम जी, जिलाधिकारी जो बेगूसराय के रोशन कुशवाहा जी, एसपी बेगूसराय योगेंद्र कुमार जी, संजय कुमार जी जो पूर्व मेयर हैं बेगूसराय नगर निगम के,
श्रीमती बबीता देवी जी जो मुख्य पार्षद है बिहट नगर परिषद की, श्री अरुण गांधी जी जो हम लोग पार्टी के जिला के महासचिव हैं, हमारे यहाँ के चीफ इंजीनियर बेगूसराय के जल संसाधन विभाग के नंद कुमार झा जी, मैं माफ़ी इसलिए चाहता हूँ कि आज राष्ट्रपति जी बिहार आई हुई है, उनका कार्यक्रम था अभी पटना में जो एग्रीकल्चर रोड मैप कृषि रोड मैप जो चौथा है उसको लॉन्च की है पटना में, और 7:15 बजे गवर्नर ने डिनर दिया हुआ है, हम लोग को उसमें रहना है, इसीलिए वहाँ पहुँचना है और उसमें लेट हो भी नहीं सकते हैं जो राष्ट्रपति के डिनर। लेकिन पहले प्रश्न पूछा था पता नहीं जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, लेकिन मैंने कहा कि ना, जैसे बता रहे थे सर्वेश जी, ऐसी आस्था की जगह वो तो एक बार मन में बैठ गया, जाना है तो जाना है, फिर तो मन में ये नहीं होता है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये इतना बड़ा आस्था का केंद्र है, हम लोग तो बचपन से आए, मैं अपने तरफ मधुबनी दरभंगा हम लोगों को बोलता हूं कि कोई घर ऐसा नहीं, कोई घर ऐसा नहीं है हम लोगों के तरफ जिनके पूर्वज का अस्थि विसर्जन यहां नहीं हुआ, कोई घर ऐसा नहीं, यहां कोई भी काम करता अपने पूर्वज को कितना जेनरेशन से लोग आ रहे हैं, कोई घर नहीं बचा जो नहीं आते हो यहां, तो इतनी बड़ी आस्था का केंद्र सिमरिया रहा। और मैं पिछले साल आया था, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में पढ़ा दिल्ली में कि यहां जो कल्पवास में लोग हैं उनके जो बना करके रहते हैं उसमें पानी घुस गया, रुदन राय जी को मैंने फोन किया जो हमारे जिला अध्यक्ष, और मैं सीधा आया यहां पर अगले दिन, और जब अगले दिन आया यहां पर तो यहां पर देखा कि सही में गंगा का लेवल बढ़ गया था और उस वजह से वहां पानी हो गया जो चलने का रास्ते में भी काफी सारा पानी था। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय तो जो टेम्पररी काम करना था हम लोग कर दिए, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को ले करके उनको जाकर ब्रीफ किए और उनको लेकर के आए, मुख्यमंत्री जी जब आए उनकी उदारता है, उन्होंने कहा है कि इसका बेस्ट प्लान बने जो कर सकते हैं, और उसी समय से इस पे हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया और इसका डीपीआर बनाया, और इस पर मेरे ख्याल से इससे शॉर्ट टाइम में काम नहीं हो सकता। और एक बार मैंने ये भी कहा विभाग को जो कॉन्ट्रैक्टर है कि भाई ये धर्म का काम, कितने लोगों का आशीर्वाद मिलेगा इसमें, कुछ उस तरफ सर्वेश जी के बात में आप सुन रहे हो, इसलिए इस काम का क्वालिटी तो ऐसा करना है कि 100-150 बरस तक इधर देखना नहीं पड़े, और रेगुलर जो हमारे इंजीनियर है शायद डेली नहीं तो हर एक ऑल्टरनेट डे पे यहां का फोटोग्राफ मुझे व्हाट्सएप पर भेजते हैं कि काम का क्या प्रोग्रेस है, कितना अपडेट हम लोग रखते हैं। और अभी जल्दी ही लोग जाने वाले हैं राजस्थान धौलपुर, वहां जो बेस्ट पत्थर है वो ला करके यहां पे लगाना है, इसका रूप रंग ऐसा हो जाएगा। मैं बोलता हूं इस चीज को कि भाई गंगा जो हरिद्वार में भी है, हर की पौड़ी, वो मेन धार में नहीं है, वो केनाल पर है, मेन गंगा में गंगोत्री से लेके बंगाल की खाड़ी तक, मुझे आप करेक्ट करिएगा कि आपको थोड़ा रहता है इस पर रिसर्च, लेकिन अगर हर की पौड़ी भी है तो मेन गंगा में नहीं, मेन गंगा में इस तरह का काम शायद कहीं हुआ होगा, बनारस में हुआ है काम, और उसके बाद कहीं एक काम हो रहा है तो सिमरिया धाम में ये काम हो रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे ही जनवरी में ही हम लोग सोचे हुए, अभी मैं देख रहा था प्रोग्रेस जो क्या है यहाँ पर, क्योंकि वो 2008 में इसी कल्पवास को
नीतीश कुमार जी राजकीय मेला का दर्जा दिए थे और कुंभ में भी वो आए थे यहाँ पर 2011-17 में, अर्ध कुंभ में 11 और 17 में आए थे और उसके बाद इसका जब काम शुरू किए तो 30 मई 2023 को यहाँ इस काम को शुरू करने के लिए आए थे और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो पैसा आपको लगा है ठीक है, इसके अलावा और भी कोई जरूरत होगा तो बिहार सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, और पैसा देना होगा तो और काम इस पर करेंगे। इस बात हमको आकर के जब कहा गया था तो उस पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे, लेकिन अभी इमीडिएटली हम लोगों का ये है कि 14 जनवरी के बाद जो एक साइड इस पे जो बन रहा है आपको जो हम लोग सीढ़ी बना रहे हैं ये धार में एक साइड का हम जो प्रोग्रेस देख रहे थे इनका, हमको ये जो बताए हैं कि इनका 100 मीटर में काम अभी टोटल 550 मीटर में काम होना, अभी जो फिलहाल जो प्रोजेक्ट है दोनों जो आपका ब्रिज है उसके बीच में पूरा ये घाट बन जाना है और इसमें 100 मीटर में घाट का काम चल रहा है। जब पानी भी बढ़ा हुआ था काम यहाँ कभी बंद नहीं हुआ और स्टील सीट पाइल दे करके हम लोग काम कर रहे हैं। कभी भी इस घाट को कोई कितना भी पानी आ जाएगा खतरा नहीं होगा क्योंकि सामने में स्टील सीट पाइल दे करके पूरा घाट बनाया जा रहा है। जो स्टेयर केस भी है जो सीढ़ी को उतरते हैं ये ध्यान रखा गया है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको उतरने में दिक्कत नहीं, छोटा स्टेप्स रखा गया उतरने और 100 मीटर में। और आने वाले 14 जनवरी के बाद मैंने मुख्यमंत्री जी को जानकारी दी है कि एक पार्ट का उद्घाटन हम लोग 14 जनवरी के बाद मुख्यमंत्री जी को ला करके यहाँ पर जो एक मेजर पार्ट है उसका उद्घाटन हम लोग यहाँ पे कर देंगे और जो काम है कितनी दिक्कत होती थी यहाँ हमको लगता है कि सिमरिया घाट पे आने में इतनी बड़ी संख्या में माँ बहन आती है, उनको कपड़ा चेंज करना हो, बाथरूम हो, रहने की सुविधा हो, ये सारा काम अभी इस प्रोजेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। सीढ़ी का तो मैंने बता ही दिया आपको, जो घाट बन रहा है वो बहुत ही सुंदर घाट आपको दिखाई पड़ जाएगा और हमको लगता है कि पानी का लेवल कम हो गया, बहुत कम हो गया है, अब स्पीड और काम का बढ़ जाएगा। डीएम साहब भी और यहाँ के जो एसपी साहब भी हैं, चाहे वो सिक्योरिटी का चीज हो या और चीज हो, सारा इस चीज का ध्यान रखते हैं और इसके अलावा 550 मीटर के अलावा जल संसाधन विभाग का काम नहीं है, हम लोग का काम है सिंचाई और बाढ़ का काम, लेकिन हम लोग सिमरिया में जल संसाधन विभाग के पैसा से धर्मशाला भी बना रहे हैं। हम इसकी बात देख रहे हैं प्रोग्रेस में धर्मशाला भी बना रहे हैं, घाट भी बना रहे हैं, टॉयलेट और कपड़ा चेंज करने का भी जगह बना रहे हैं, जो स्नान घर है और उसके लिए बड़ा मंडप का निर्माण कर रहे हैं कि जो भी आप अनुष्ठान या और काम के लिए आते हैं तो आपको ऊपर में धूप नहीं लगे, बड़ा सेट दे रहे हैं। इसके अलावा आपको एक बड़ा वॉच टावर जो रात में यहाँ चारों तरफ रोशनी रहे, पूरा पाथवे अभी डीएम साहब से बात हो रही थी लास्ट टाइम मुख्यमंत्री जी ने कहा था तो वो भी प्रपोजल चला गया है यहाँ पर आरसीडी से रोड बनाने का और जल्दी ही वो सैंक्शन हो जाएगा तो पूरा रोड से कनेक्टिविटी यहाँ से वहां हो जाएगा। और जो कल्पवास मैं लास्ट टाइम आकर के देखा था, अब मुझे भी ये अनुभव नहीं था, अनुमान नहीं था, वो तो स्टेडियम लगता 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन को हम लोगों ने डेवलप किया। इस बार जो कल्पवास करने जो भी आएंगे, जो लास्ट टाइम का अनुभव था पानी जाने का, पूरा मिट्टी भरवाया है उसको, हाँ पूरा बरसात के समय में भी मिट्टी भराया है उसको पूरा हम लोग ढलाई कर रहे हैं, एक साइड रोड बना रहे हैं, पहले तो हम लोग वो ब्लॉक दे रहे थे, लेबर ब्लॉक बाहर भी रोड बना रहे हैं, तो वहां पूरा 1 लाख मीटर को हम लोगों ने डेवलप कर दिया।
आगे और उसको डेवलप कर देंगे, जिसका उद्घाटन आज ही है, कि वहां कोई दिक्कत नहीं हो। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करते हुए इतना, मैं मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है, मैं तो बहुत जगह ये बात बोलता हूँ कि राजनीति में आप कितने साल बिताए वो मतलब नहीं, आप क्या करके गए वही बात रह जाती है लोगों के लिए। मुझे सही बोल रहे हैं कि हमारा और यहाँ मुख्यमंत्री का ये तो ऊपर वाले ईश्वर की कृपा है, किसी को माध्यम बना देता बीच में, ईश्वर की कृपा है। हम तो बोले, हमको लगता है कि जब एक साल के रहे होंगे तो मेरी माँ यहाँ लेके आई होगी मुंडन करना। अब उस समय से आस्था हम लोगों का इस जगह से, अगर हमारे हाथ से कुछ काम यहाँ हो गया तो इससे बड़ी प्रसन्नता, इससे बड़ा आशीर्वाद तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे क्या कहते हैं जल संसाधन मंत्री बनना सफल होगी। जो सिमरिया में काम करने का मुख्यमंत्री जी ने जो मौका दे दिया, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है कुछ, क्योंकि लाखों लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ जगह, करोड़ों लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ जगह। अभी ठीक बोले सर्वेश जी, ये मिथिला भूमि जो है इससे बड़ी भूमि कुछ है नहीं, ये तो ज्ञान धर्म इस सब का एक इतना बड़ा केंद्र रहा और उसका सबसे बड़ा सेंटर है। जब इंटर करते हम लोग यही मानते हैं कि सिमरिया इंटर कर गए मतलब मिथिला में आ गए, हम लोग यही मानते हैं कि मिथिला में आ गए। ये गेटवे ऑफ मिथिला, गेटवे ऑफ बॉम्बे सुने हैं ना, सिमरिया जो है ये गेटवे ऑफ मिथिला, सिमरिया में इंटर किए आप मिथिला धाम में पहुंच गए, हम लोग यही मानते हैं। यहाँ पर काम करने का मौका मिला है और मैं इतना जरूर अपनी सरकार के तरफ से, अपने मुख्यमंत्री जी के तरफ से कह सकता हूँ कि जो काम है गुणवत्तापूर्ण काम और टाइम पर इस काम को विभाग लगातार मंचन कर रहा है। विभाग के इंजीनियर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही माइन्यूटली और डिफिकल्ट टाइम, बाढ़ के टाइम में भी काम यहाँ रुका नहीं, इस हिसाब से काम चल रहा है। और भी कुछ काम करना होगा सर्वे जी, अभी मैं इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ कि उसको जरूर एसेस करेंगे, और भी कुछ काम करना होगा ये करेंगे, मुझे इसलिए लगता है। और ये बनाने, ये धर्मशाला भी मैंने कहा है, दो फ्लोर अभी हम लोग बना रहे हैं कि आगे का भी जो फाउंडेशन इतना मजबूत रखने के लिए लिफ्ट वगैरह सब दे रहे हैं, सिंगल रूम भी दे रहे हैं, हॉल भी दे रहे हैं, डॉर्मेट्री भी दे रहे हैं वहां पर, कि यहाँ पर आकर के रुकने की ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर ऊपर और भी स्कोप है कि एक दो फ्लोर और बनाना हो तो मैंने कहा कि एक फ्लोर का और प्लान करके रखेंगे, जिस दिन इसका उद्घाटन कराएंगे उस दिन मुख्यमंत्री जी से एक फ्लोर का और शिलान्यास करवाएंगे, बन जाएगा। यहाँ रहने का भी, गंगा किनारे जाकर के 5 दिन रहिए, आजकल तो ऐसे ही तनाव का जिंदगी है, आपका सारा तनाव वहाँ 5 दिन रहिए तो दिमाग ठीक हो जाता है। इसलिए ये चीज था, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में पर्यटन के दृष्टि से अगर कोई, अब 6 महीना के बाद हम हमेशा बोलते हैं कोई ट्रेन से गुजरेगा हिरानंदर पुल से, उसको पहचान में नहीं आएगा एक जगह, ऐसा जगह बन जाएगा, इतना सुंदर दिखाई पड़ जाए। जो आर्किटेक्ट भी है वो स्पेशली मैं लाया कि भाई इसका डिजाइन ऐसा करना है जो देश के लोग आकर के देखें कि सिमरिया में क्या बन गया। आप विश्वास कीजिए जिस तरह का काम हम लोग मॉनिटर करके कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, एक पर्यटन के दृष्टि से भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र आने वाले टाइम में अगले साल 2024 तक सिमरिया में दिखाई पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से, मुझे इमीडिएटली निकलना है धन्यवाद देते हुए, और कल्पास मेला में एक महीना का होता है, इतने सारे लोगों का यहाँ आना होता है, जिला प्रशासन जिस हिसाब से यहाँ व्यवस्था करती है सुरक्षा से लेके सब कुछ का, एक बड़ा चैलेंज रहता है इस कल्पास मेला में। और काफी महिलाएं खास करके, मैंने हमको अब तो नेपाल उपाल से भी देखते हैं लोग बड़ी संख्या में आते हैं, तो सिर्फ मिथिला का नहीं नेपाल से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और ये जो डेवलप कर जाएगा, मुझे पक्का विश्वास है कि जो आने वाले लोगों का संख्या है, मुझे कितने लोग जो देश के बाहर है वो मैसेज कर रहे हैं ये हो जाएगा तो हम लोग भी जो आते हैं बाहर से देश के बाहर, तो हम लोग भी अब कम से कम सिमरिया घाट में जाके 2 दिन रहेंगे, जाकर के देखेंगे, इसका मतलब इसका पूरा लुक और चीज बदल जाएगा।
मैं धन्यवाद देते हुए जिला प्रशासन को भी जिस हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करते हैं, जिस हिसाब से चीज़ों को रखते हैं, और जितने मेरे साथी आज हमारे माननीय विधायक, माननीय विधान पार्षद आए हुए, धन्यवाद देते हुए, और आप लोग मुझे बड़ी संख्या में आए, अपनी बात को विराम देता हूँ।